किसान साथियों, अभी हम इस प्लाट में जहाँ खड़े हैं, ये वैरायटी है NRCS 142। इस वैरायटी को इसी साल रिलीज किया गया है और साहित्य में NRCS के लिटरेचर में जो विशेषताएं इसकी बताई गई है वो हम चाहेंगे कि आज हम इस खेत में जाकर स्वयं देखें और जिन किसान भाई ने, हमारे चंद्रभान सिंह जी ने ये लगाई है वैरायटी, उनके अनुभव साझा करें और इनको पिछले 20 साल से सोयाबीन की नई नई किस्में लगाने का अनुभव भी है, तो इसके बारे में वो हमें ज़्यादा बताएंगे भी सही। इसके अलावा हम आपकी सीधे सोयाबीन के पौधे से आपकी बात करवाएंगे, आप स्वयं उनसे बात करके देख सकते हैं कि इसमें क्या विशेषता है, क्या नहीं है, क्या कमी है, सारी बातें आपको डायरेक्ट हम पौधे से बात करवा के ही आपको दिखाएंगे।
फलियां लग रही है, किस स्टेज में है, फूल कितने आ रहे हैं और फलियां कितनी बड़ी हो गई है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसको लाइव। इसके अलावा हम अब जानते हैं कि चंद्रभान सिंह जी ने इसको लगाया है, तो इनके इसके बारे में क्या विचार हैं और इन्होंने क्यों लगाई ये वेराइटी, इसमें इनको क्या विशेषताएँ दिख रही है। हाँ चंद्रभान सिंह जी बताइए, अब आपने ये कब लगाई थी, एक तो बोनी कब किया था आपने? सबसे पहले तो ये कि ये 5 जुलाई की बोनी है। 5 जुलाई जी। हाँ। और आज कितने दिन की हो गई है? ये 72 दिन की। 72 दिन की जी। हाँ उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 3.5 kg सीड था। हाँ। नेट। हाँ। और ये 12,500 square feet एरिया है। अच्छा अच्छा। इसको हमने काफी केयरफुली तरीके से भाई साहब ने और मैंने केयरफुल तरीके से इसको सीडलिंग किया। रोड टू रोड डिस्टेंस इसका 14 inch है। हाँ। और प्लांट टू प्लांट इसका ये मान के चलिए आप 3 से 4 inch पे पर प्लांट पॉपुलेशन। हाँ। है इसका। अच्छा। इसके बारे में हमने सुना था कि ये 19 ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंड लाइपोक्सिनेज 2-free केमिकल फ्री है। हाँ। NRCS ने बताया था कि ये किसी वेराइटी हम जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट किए उन्होंने। हाँ। कि जो जैसे भविष्य में पहले उन्होंने NRC 121 बनाया था, जो दूध और मावे और इस खाद्य उद्देश्य के लिए बनाया गया था। हाँ। जिसकी सफलतम खेती हमारे मेहरबान सिंह जी कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद में डॉक्टर विनीत ने बताया कि ये खाद्य पदार्थों में उपयुक्त होने वाली वेराइटी है। हाँ। तो हमने सोचा क्यों ना सोयाबीन का कमर्शियलाइजेशन होगा। हाँ। हाँ। और किसान को एक अतिरिक्त आय जिससे खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों में इसका उपयोग होगा, तो किसान से बड़ी कंपनियां स्वतः खरीदेंगी। हाँ। हाँ। और उसका कहीं भी आर्थिक लाभ जो होगा। हाँ। वो किसानों को होगा, डबल हो जाएगा, यानी कि उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा जी। और इसको खाने में डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, जाना पड़ेगा, सोयाबीन को भी यूज किया जा सकता है, उसका दूध या पनीर बनाकर डायरेक्ट इसका उपयोग किया जा सकता है। आटे में जब आपके घर आटा पिसवाना होता है उसमें आप इसको डायरेक्ट बिना सेके मिला सकते हैं। अच्छा अच्छा। पहले वाली सोयाबीन को अपने को सेकना पड़ता था, उसमें जहरीला जहरीला तत्व होता था, वो इसमें नहीं है। अच्छा अच्छा। और खाने में बहुत उपयुक्त है वैरायटी। उसके बाद में जब मैंने जनरल फार्मर प्रैक्टिस है, इसमें कोई विशेष मैंने ऐसा नहीं है कि नई वैरायटी है, कम बीज है तो इसकी बहुत ज्यादा हमने कोई इसमें विशेष नहीं किया। लेकिन जब मैंने इसको देखा, इसके गुण धर्म देखे, इतनी लेट होने के बावजूद इसका परफॉर्म इतना बढ़िया है कि जो सोयाबीन पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे वो छट चुके हैं। अच्छा अच्छा। इसको देख के रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर बात करें तो मोजेक के प्रति पूर्ण सहनशील है, फंगल डिसीज के अगेंस्ट टॉलरेंस है। अच्छा। और कीट प्रतिरोधी किस्म है। हाँ। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मैंने बहुत प्रयास किया सोयाबीनों में। हाँ। और काफी वेराइटियाँ अभी आपने देखी भी हैं। हाँ। उनमें सबसे बढ़िया इसकी विशेषता है कि मैक्सिमम जो पॉड्स हैं वो 3 seeded pods हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। और अच्छा। इसमें एक चीज ये है कि स्टेम इसका काफी मजबूत है। हाँ। आड़ा गिरने की संभावना नहीं है। दूसरी चीज इसमें एक ये है कि इसके जो इंटरनोड्स हैं वो बहुत पास हैं। अच्छा, इंटरनोड्स पास होने के पास में इसमें जो पॉट्स ऑफ नंबर्स हैं वो भी ज्यादा हैं। तो अपेक्षाकृत मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जैसे संस्थान इसका 2.5 टन प्रति हेक्टेयर का प्रोडक्टिविटी बता रहा है, लेकिन हमारे अनुमान से 3 टन को टच करेगा। अच्छा, 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर मतलब अपन बीघा में अगर जोड़े इसको अपने इधर 100 कड़ी के जो बीघा है वो, तो करीब करीब 7.5 क्विंटल 7.5 क्विंटल बीघा तक जा सकता है। एंड लो सीड रेट। अच्छा अच्छा। कितना सीड रेट माने अपन इसका? सीड रेट हम बड़े बीघे में 100 कड़ी के जो 27,500 square feet है। हाँ। उसमें 15 kg सीड जो है। अच्छा, वो पर्याप्त रहेगा। जी। अच्छा, लाइन से लाइन कितना रखा है आपने इसका? आपकी बार हमने 14 इंच रखा है, अगले वर्ष हम इसको 18 इंच पे ले जाएंगे। उसमें ज्यादा ज्यादा संभावना दिखती है, ज्यादा संभावना रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर विनीत कुमार जी ने इस वेराइटी को डेवलप किया है, उनके बारे में उनका क्या कहना है इस वैरायटी के बारे में, आपको कुछ बताया उन्होंने? डॉक्टर विनीत कुमार जी ने इसके बारे में यह बताया कि आप इसको लगाएंगे जब ये इसका थोड़ा प्रचार होगा और जब कंपनियों को या फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स को पता चलेगा तो किसानों को जो समर्थन मूल्य पे आज बेचने में परेशानी हो रही है उससे 500-700 रुपए किसानों को एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। घर से माल उठेगा, किसान के लिए घर से माल उठना मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। हाँ, इतनी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी जो आर्थिक कैपेसिटी है वो मजबूत होगी। हो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनका सपना है कि किसान सशक्त बने, हो सकता है उस दिशा में एक प्रयास ये सिद्ध हो, कारगर सिद्ध प्रयास होगा। तो किसान भाई, हम भी देख रहे हैं कि वास्तव में ये NRC 142 जो किस्म है वास्तव में दमदार है, और अभी तक जितनी भी प्रचलित किस्में थी या है अभी भी जो प्रचलित चल रही है उनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन देगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है इसकी।
इसकी ग्रोथ और ब्रांचिंग और हाइट और जर्मिनेशन परसेंटेज इसका देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि सारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये किस्म पूर्ण रूप से सफल रहेगी। और अभी एक जो निराशा छाई हुई थी 95-60 फेल होने के कारण पूरे मध्य प्रदेश में, वो निराशा को ये दूर करने वाली किस्म है। और इसका समय भी एक ऐसा है, ना जल्दी ज़्यादा आने वाली है ना ज़्यादा देर से आने वाली है, मध्यम पीरियड की है ये किस्म। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये अपने उसमें खरी उतरेगी। 10 सेंटर्स पे पिछले 3 वर्षों का अनुभव मैक्सिमम 95 दिन रहा है। 95 दिन में ये फसल पककर तैयार हो जाएगी। और इसने एक सूखे का दौर भी सहन किया, लेकिन इसने कहीं इफेक्ट दिखाया नहीं। जो प्रारंभिक सूखा था वो भी सहन किया है। और ये जो जमीन है ये वाटर लॉगिंग वाली जमीन थी, तो उसमें भी इसके रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, सूखा कितने पीरियड का रहा था? लगभग 2 वीक का रहा। 2 वीक का मतलब 15 दिन का था लगभग। उसके पहले अच्छी बारिश हो चुकी थी ना? उसके पहले अच्छी बारिश, उसमें भी इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। आप देख पा रहे हैं कि बहुत लो सीड रेट में एक समस्या रह जाती थी, किसान के मन में भ्रम रहता था कि अगर मेरी सीड रेट कम रखूंगा तो मेरी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उस विषय में आप अगर देखें तो ये निश्चिंतता होने वाला विषय है कि आप इतनी वेजिटेटिव ग्रोथ लो सीड रेट में ले पा रहे हैं। हाँ, आप सीड रेट देख लीजिए किसान भाइयों की, इसमें कितनी दूर दूर पौधे लगे हुए हैं। इसके बाद भी इसकी हाइट ये यहाँ तक जारी है। यानी अगर इसको नाप के देखें तो आप इनके चंद्रभान सिंह जी की कमर से भी ऊपर जा रही है हाइट। और उसके बावजूद इसमें आड़ी गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है इसकी, क्योंकि इसका तना बहुत मोटा है। इसके स्टेम पे ब्राउन कलर का प्यूबेसेंस होता है। हाँ हाँ। ये इसकी मुख्य पहचान है, 3 दाने की फलियां हैं। हाँ। वैसे मध्यम रूएदार फलियां हैं। हाँ हाँ। और किसी किसी पौधे में 5 दाने की भी फलियां देखी गई है। अच्छा अच्छा जी। चलिए, बहुत जी, आप हमको इसकी शुरू से आखिरी तक की स्टोरी बताइए कि आपने शुरू से बीज बोने से लगा के आज तक इसमें क्या क्या प्रक्रिया की है, क्या दवाई डाली है, क्या निंदा नाशक डाला है या नहीं डाला है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए सर, सबसे पहले शुरुआत होती है बीज के बोने से। हाँ। तो सीड ट्रीटमेंट हमने थायोफिनेट मिथाइल जो जेलोरा के नाम से आता है। हाँ हाँ। उससे किया। अच्छा अच्छा। बीज जो उपचार के पश्चात इसको बो दिया गया। हाँ। बोने के 22वें दिन इसमें हमने थायमेथोक्सम। हाँ। और थायोफिनेट मिथाइल। हाँ। और प्रोफेनोफास। हाँ। इसका फर्स्ट स्प्रे हमने 22 दिन पे। अच्छा। इसके लोअर स्टेम पे किया। अच्छा। जो हमारा ये लोअर स्टेम होता है। हाँ, 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 ये वाला स्टेम होता है। हाँ, हाँ, ये वाला। हाँ, हाँ, इस स्टेम को हमने भिगाते हुए। अच्छा अच्छा। और स्प्रे किया है, मतलब आपने बीच में नोजल चलाया? बीच में नोजल चलवा के, जब पौधा छोटा रहता, 22 दिन का पौधा काफी छोटा होता, पावर पंप से लगभग हमने जो स्प्रेयर था उसको बोला कि भैया इसको जो पूरा नीचे वाला पोर्शन है इसको स्प्रेड करवाना है, जमीन तक जाना चाहिए। लास्ट ईयर राइजोक्रोनिया सलोनी और एरियल ब्लाइट का प्रकोप हुआ था, तो वो भय था। माननीय विनीत जी सर ने हमको बताया था कि ये स्टेम अगर हम गीला कर देते हैं तो इस तरह की बीमारियों से बचने की पूरी संभावना रहती है। अच्छा, तो हमने उनके निर्देशों का पालन किया, IISR की एडवाइजरी का पालन किया। उसके बाद में हमने इसमें 35 दिन के लगभग में, 35 से 40 दिन की अवस्था के लगभग में आपका क्लोर इंटरप्लोर, जिसको हम कोराजन बोलते हैं, और आपका प्रायक्सर और लैम्ब्डा साइलोथ्रिन प्लस थायमेथोक्सम। हाँ। इसका ट्रीटमेंट स्प्रे करवाया 35-40 दिन। 35-40 दिन पे सभी साथ, ये उसी एक ही बार में? एक ही बार में। अच्छा अच्छा। फंगी FIR मेथड से, फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबूसम से। अच्छा। इनका स्प्रे करवाया गया। हाँ। उसके बाद में तीसरा डोज हमने जो है साधारण क्लोरोफास 50 cc का जो होता है उसका किया है। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद में हमने एक्स्ट्रा खर्च इसमें ना कोई किसी तरह के, जैसे संस्थान मना करते हैं कि किसी तरह का टॉनिक या उस पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अनावश्यक खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो हमने किसी तरह का कोई खर्च नहीं किया। अच्छा अच्छा जी। क्योंकि किसान एक विज्ञापन की दौड़ में अंधाधुंध जो खर्च कर रहा है वो भी हमारी आय के स्रोत में कमी होने का एक मुख्य कारण है, और उसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं, तो ऑलरेडी अपना नाइट्रोजन खुद बनाता है और इसमें पोषक तत्व जमीन के जो रहते हैं उसी में से अपनी पूर्ति कर लेता है, तो अलग से टॉनिक वगैरह देने से कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं। वो भी चीज़ है। और दूसरी क्या, कीटनाशक का भी चयन सही होना। हाँ, कीटनाशक का चयन भी सही होना चाहिए। सही बात है। तो 3 बार फंगीसाइड हो चुके हैं। हाँ हाँ। और 2 बार इंसेक्टिसाइड। हाँ। 3 बार इंसेक्टिसाइड हो चुके हैं। हाँ हाँ। घास मारने के लिए कोई दवाई आपने डाली? कुछ नहीं डाला इसमें। कुछ नहीं डाला, निंदाई करें। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया हुआ।
क्योंकि जब समय था घास को बढ़ने का उस टाइम पे ड्रॉट स्पेल था, सूखे का माहौल था, तो वो सहन कर नहीं पाता, तो हमने फिर उसको उचित नहीं। अच्छा, हाँ नहीं तो वो अच्छा भी किया आपने, दो बार तो बढ़िया ही, निंदाई जरूर कराई। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और आपको ये इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो हमारे मन में संशय था कि लो सीड रेट में वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मैं कहता हूँ कि इसका जितना लो सीड रेट होगा उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी और मैक्सिमम प्रोडक्शन। मैं जहाँ तक मैं इतने एक्साइटेड हूँ इस वैरायटी के प्रति कि मैंने अपने जीवन में इससे अच्छी वैरायटी अभी तक देखी नहीं। मतलब इसका पौधा अगर मिर्ची की तरह दूर दूर लगाया जाए, मिर्ची या कपास की तरह, ड्रिप पे भी अगर आप लेते हैं, 24 इंच पे भी लेते हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। हमको इस मिर्ची की तरह इसको दूर दूर भी लगा सकते हैं और उतने जितना मिर्ची का पौधा फैलता है उतना ही पौधा ये फैल भी जाएगा। अभी इसमें फ्लावरिंग भी चल रही है, पॉट्स भी बन रहे हैं, फलियां भी बन रही हैं, दाना भी बन रहा है और इसकी निरंतर इसका जो विकास है, निरंतर विकास चल रहा है, चल रहा है। ये देखिए ये फूल भी आ रहे हैं, ये फूल भी आ रहे हैं, ये फूल भी है और भी है और फल भी बन रहा है, फल भी बन रहा है और नीचे मैच्योर्ड भी हो रहा है, मैच्योर्ड भी हो रहा है, मतलब सभी काम एक साथ में चल रहे हैं, इसमें सभी चल रहा है, तीनों काम एक साथ में चल रहे हैं। और बिल्कुल फ्रेश सोयाबीन दिख रही है हमें, इसमें हमें कोई रोग कीट कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये पूरी तरह से रोग और कीटों के प्रति पूरी तरह से रेजिस्टेंट वेराइटी, प्रतिरोधी वेराइटी है। इसके लिए डॉक्टर विनीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद और NRCS के समस्त स्टाफ का कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद, आभार। क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसा कहा जाता था कि NRCS फेल हो रहा है, देखिए मैं उनके स्पष्ट राय था, लेकिन जो अभी हमारी टीम बनी है, जो हमारे संस्थान की टीम है, उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। 138 इसका बहुत अच्छा एक वैरायटी में, बहुत अच्छा ऑप्शन, 130 बहुत अच्छी है, वो अच्छी है जी। उसमें कुछ समस्या पत्ते के संकुचन की थी, लेकिन वो जब डॉक्टर संजय गुप्ता से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उसका नैसर्गिक गुण है। अच्छा अच्छा, उसका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं है, कुप्रभाव नहीं है। अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छा उत्पादन, और सबसे बड़ी बात है कि 85 दिन में मैच्योर्ड होने वाली है किस्म। अच्छा अच्छा, 138 हाँ, उसके बारे में भी किसान भाइयों, अभी हम इनके प्लाट पे जाकर उसका आपको जैसा 142 का जैसा आपको दिखाया हमने लाइव, वैसा का वैसा ही हम 138 का भी आपको दिखाएंगे, जिससे आप स्वयं देख सकते हैं, पौधों को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि किसमें कितना दम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 5-7 वर्षों से जो नई नई किस्में आ रही है उसमें 20-29 भी आई थी, जेएस की 20-69 भी आई थी, 20-98 भी आई थी, 21-017 भी आई थी, अपना RBS की जो 2018, RBS 2024, ये जो वेराइटियाँ मैं पिछले 5-7 सालों से लगा रहा हूँ, उन सब वेराइटियों से अगर कंपेरिजन किया जाए तो NRC की जो 142 है ये सबसे आगे निकल रही है। अच्छा, अच्छा सबसे आगे निकल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो किसान की सबसे बड़ी समस्या थी कि मध्यम अवधि में पकने वाली सोयाबीन चाहिए, तो ये विकल्प भी हमको बहुत अच्छा मिल गया। दूसरी चीज ये कि ये जो वैरायटी है इसमें प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो गंध मुक्त है ये, तो मंडियों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसानों को, बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों के पास से ये वैरायटी लेके जाएगी, तो आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत ही सही वैरायटी है। और मैं किसान होने के नाते सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस वैरायटी को ज्यादा से ज्यादा लगाएं और आर्थिक स्थिति अपनी सुदृढ़ करें। ठीक, धन्यवाद किसान भाइयों। ये पौधे लाइव दिखाने का हमारा मकसद ये है कि पहले अभी कुछ पिछले सालों में लोग या किसान कहें या उनको बीज माफिया कहें, वो पौधे के कंप्यूटराइज्ड फोटो दिखा दिखा कर कुछ जो वैरायटियां अच्छी नहीं थी उनको भी उन्होंने हाईलाइट किया और उनको भी बेचना चाहा। तो हमारा मकसद इन आपको लाइव दिखाने का यही है कि आप स्वयं देख सकते हैं उसको और किसी सिंगल पौधे को नहीं देखें। सिंगल पौधे में तो वैसे भी ज़्यादा फलियाँ दिखती ही है, आप यहाँ पर हमारे इसमें लाइन में लगी हुई है उसको हम दिखा रहे हैं आप को, आप इससे अंदाज स्वयं लगा सकते हैं कि इसमें हमने कोई कंप्यूटराइजेशन नहीं किया है, कोई बना बनाया फोटोग्राफ नहीं डाला हुआ है। हमारा मकसद यही है दिखाने का आपको कि आपको स्वयं दिख जाएगा सामने सही जानकारी के साथ। हाँ, जैसा कि अभी आपने देखा कि पहले हम मेरे गांव आरोत में थे, वहाँ पर हमने सबसे पहले NRC 142 का प्लाट देखा और उसके बाद हम यहाँ पर सुतारखेड़ा में आए हैं। यहाँ पर 3-4 वैरायटियों के अपने प्रदर्शन प्लाट लगा रखे हैं और 2-3 वैरायटियाँ बड़े स्केल पे लगा रखी है, जिसके बारे में हम आपको भाई साहब चंदेल साहब के साथ पूरी डिटेल से दिखाएंगे, क्योंकि आप जो हैं सोयाबीन के विश्व पितामह कहे जाते हैं,
और आपके मार्गदर्शन से आपके आदर्श रूप पे चलकर ही हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आपके सामने जो फसल दिख रही है वो आपके मार्गदर्शन से, आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से आपके समक्ष हम दिखाने जा रहे हैं।